हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप सभी ने सुन ही ली होगी। रेलवे बोर्ड की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया है दोस्तों, जो कि है 15 दिसंबर 2020। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, सालों से आप लोग तैयारी करते रहे हैं, एक साल डेढ़ साल करीब हो गई भर्ती, आप लोगों ने तैयारी तो की लेकिन सभी सब कुछ भूल गए हैं, आधा ज़्यादा लोग भूल गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अब अभ्यास की ज़रूरत है, सब कुछ आपका रिमाइंड हो जाएगा एक बार में दोस्तों। यहाँ पर अब समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो इससे ज़्यादा गोल्डन चांस आपके पास कोई दूसरा नहीं आने वाला है। करोड़ों के आवेदन हुए हैं, लाखों भर्ती हैं इसमें दोस्तों, आपको इसमें अपना जरूर बेस्ट देना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपकी तरफ से बिल्कुल देर न करते हुए अभी थोड़ी देर पहले ही आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ है, और आज मैंने थोड़ी देर बाद ही रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 के लिए घटनाचक टोल सीरीज से, जो कि मोस्ट अवेटेड क्लास होती है आप सभी के लिए, मैं हर परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट बुक रेकमेंड करता हूँ, घटना चक्र टो सीरीज से अभ्यास करें, प्रैक्टिस सेट करें। इसको आप मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, अगर नहीं खरीद सकते हैं, नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री में आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। समान जानकारी का प्रैक्टिस सेट 1 ले रहा हूँ घटना चक्र टो सीरीज से दोस्तों, पहली क्लास से। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इसको पूरा देखिएगा, उसके बाद में अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आगे और भी इसकी क्लासेस चाहिए, और भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और फ्री में इसका पीडीएफ फाइल चाहिए हर सेट का, तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में आपको सब कुछ मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं रेलवे एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 1 सामान्य जानकारी घटनाचक टो सीरीज के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करते रहे, करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस लिया है तो करंट जीएस सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर 2019 का करंट अफेयर आया है। पहला प्रश्न है, देखिए, अवैध अप्रवासियों की पहचान हेतु अगस्त 2019 में चर्चित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दें। अभी ये 2019 के लास्ट एंड तक NRC बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, इसलिए इसका करंट अफेयर डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर भी करते रहें, जितने भी क्वेश्चन करूँगा सभी का आंसर बताते रहें, और वीडियो के एंड में बताना टोटल नंबर आप क्वेश्चन में से कितने सही गए। क्वेश्चन नंबर 1 का आई होप आंसर कर दिया होगा, ए ऑप्शन सही है दोस्तों, असम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार, अभिनेता व फिल्म निर्देशक गिरीश कर्नाड का निधन किस तिथि को हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी से होगा, 10 जून 2019 को हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी मुद्दों से जुड़े आर्थिक सिद्धांतों पर उनके शोध के में उनके योगदान के लिए नोबल पुरस्कार 2018 दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है नोबल पुरस्कार से दोस्तों। जल्दी ही आपको घटना चक्र टो सीरीज से मैं तो प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा ही करवाऊंगा सारे सब्जेक्ट का, साथ साथ एक्स्ट्रा वीडियो क्लासेस भी दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जितने भी नोबल पुरस्कार, ठीक है, और आपका करंट अफेयर की पर्टिकुलर वीडियो वगैरह भी मैं प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर प्रैक्टिस बुक और स्टडी मटेरियल भी दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, उपरोक्त ए बी दोनों, देखिए, पॉल रोमन और विलियम नॉर्डहॉस दोनों को दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, जून 2019 में 17वीं लोकसभा के स्पीकर बने ओम बिरला कहां से भाजपा सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर अगर आपको पता है तो कॉमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी से ये दोस्तों, कोटा बूंदी, क्या है, कोटा बूंदी से सांसद है। और ये क्लास दोस्तों रात 8 बजे डेली आएगी, ठीक है, रात 8 बजे डेली आएगी, और मॉर्निंग में अब सुबह भी आपको 10 बजे क्लास मिलेगी, 11 बजे मिलेगी, ये सब आप टाइम जाने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस स्टेडियम से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए से है दोस्तों, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, सौभाग्य योजना, मुख्य उद्देश्य क्या है सौभाग्य योजना का। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दें, चार ऑप्शन आपको सामने है, पढ़िए और आंसर करें फटाफट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी से है दोस्तों, अविद्युतीकृत
परिवारों के लिए निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में भारत के किस राज्य को पहला स्थान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे 7 का राइट आंसर दें। इसी लेवल के ऐसे ही प्रश्न आपके RRB NTPC 2020 के परीक्षा में पूछे जाने अति संभावित हैं। ये टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो कीजिए, बहुत मददगार साबित होगी। इसका PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी सी है दोस्तों, केरल। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस सेट में एक खास बात यह है कि हर टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन डाले गए हैं। जैसे आपके करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन आए, उसके बाद में आपका अभी हिस्ट्री से आएगा, इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही है दोस्तों, बानवाली से। कहां से? बानवाली से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए से ही है, महापद्मानंद। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर अगर पता है तो उत्तर करें। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए से ही है, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोट्स कहा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से 200 संस्कारी डबल बैरियल का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर है आप लोग कमेंट करें। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही चाहिए दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आया है और मुझे और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से ही हो जाएगा, लोथल से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, 14 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सी है, वाराणसी से। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है, वाराणसी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, यानी 50% कर दिया, वह कौन था। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी से ही है, अलाउद्दीन खिलजी। आई होप आप लोग आंसर भी कर रहे होंगे। देखिए जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, अगर गलत जाता है या सही जाता है, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि मैंने एक क्वेश्चन का आंसर किया था, सही गया था या गलत गया था, तुरंत क्लिक करेगा, तो इसलिए आंसर जरूर करें कमेंट में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई। 16 का आंसर दें, क्या है प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, यहां पर 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए। प्रश्न फिर से दोहराता हूं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है देखिए, यहां पर जूम कर लेता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है देखिए, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है। 18 नंबर का उत्तर दें आप लोग। तो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी से, जामा मस्जिद को शाने फतेहपुर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, तबकात अकबरी किसने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, तबकात अकबरी
किसने लिखी थी, लेखक कौन है, 19 का राइट आंसर दें आप लोग। 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यहां पर सही है, निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, 20 का राइट आंसर दें आप लोग। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, 1905 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए जीएस से कुछ क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, यानी जनरल साइंस से। 21 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन है। देखिए एक तरफ विटामिन के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनके सोर्सेज दिए गए, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, विटामिन B1 जो है वो संतरा इसका सोर्स नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए यहां पर क्या है, टेप्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है, 22 का राइट आंसर दें आप लोग। तो यहां पर 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, साबुन ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा, साबुन ग्रीज को हटाता है, 23 का राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए 23 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी से, पाइसीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की में भूमिका निभाता है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दें आप लोग। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया है, और प्रैक्टिस सेट यहाँ बी टॉपर चैनल से करें, बहुत अच्छा और बेहद बहुत फ्री और बेस्ट बुक से प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर क्लासेस। 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, क्या होते हैं, सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, क्या होता है, धन प्लस माइनस ग्लूकोज, माइनस माइनस फ्रक्टोज, या फिर प्लस माइनस गैलेक्टोज, या फिर उपरोक्त दोनों। तो 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, प्लस माइनस ग्लूकोज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से में कौन सी यांत्रिक तरंग है, 26 का राइट आंसर दें आप लोग। 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी से, ध्वनि जो तरंगे है वो यांत्रिक तरंग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, ताप बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़िया घट सकती है। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी से ये दोस्तों, घटती है, ताप बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है, 28 का राइट आंसर दें। दो ऑप्शन यहाँ ऊपर दिख रहे हैं और दो यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सभी को पता होगा, डी सही है, फ्रक्टोज के कारण। अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए 29 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर है, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी से, रेशम सिल्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, आयोडीन की कमी से होता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आया है, सभी को इसका आंसर पता होगा, जल्दी जल्दी आंसर करें। 30 का राइट आंसर, तो 30 का क्या हो जाएगा, सी, घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या विद्यमान हो रहता है, 31 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी से, टैट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है, बताएं 32 का राइट आंसर। देखिए 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही है, कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, 33 का राइट आंसर दें आप लोग। वेरी गुड, 33 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर
क्या सही हो जाएगा? ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन हरित ग्रह गैस है? देखिए यहाँ पर 33 में सभी लोगों ने चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर बताया होगा, लेकिन आंसर कोई भी सही नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग से काम किया करें, क्वेश्चन को पढ़ें देखें। इसी तरीके से कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 34 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा हरित ग्रह गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं है स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, चाहिए SO2, हरित क्रांति हरित ग्रह गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 है, एंटासिड होते हैं, एंटासिड होते हैं क्या होते हैं, बेस, एसिड, साल्ट या बफर? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर से हो जाएगा बेस होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36 है, जल गैस है कौन सा, इसमें जल गैस है आपको बताना है 36 का राइट आंसर। वेरी गुड, 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, CO+H2 क्या हो जाएगा, ये जल गैस है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए गार्ड पार्टिकल है, चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से गार्ड पार्टिकल कौन सा है, 37 का राइट आंसर फटाफट कमेंट करें। तो यहाँ पर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी से हो जाएगा, हिंक्स बोशान, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बस इतना ही रखते हैं, 37 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, ये पहला है, मतलब आप ट्रायल वीडियो डाला है, देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। और इसका फ्री में PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सेंड कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की PDF फाइल वहां पर मिलती रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये क्लास पसंद आई हो और चाहते हैं बाकी के सब्जेक्ट के और भी क्लासेस मिलें फ्री में घटना चक्र टोसरी से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट साथ में, कल सुबह 10 बजे भी क्लास आएगी और रात 8 बजे भी क्लास आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।